नमस्कार। डिजिटल भूमि की खास पेशकश रोहतक का राजनीतिक हालचाल में मैं पाल आहूजा आपका स्वागत करती हूं। लोकसभा चुनाव है, इसी के मद्देनजर अभी हम पहुंच चुके हैं रोहतक की प्रीति विहार कॉलोनी में। यहां पर कुछ लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि रोहतक से उनकी पहली पसंद कौन है, बीजेपी से डॉक्टर अरविंद शर्मा या फिर कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा। जी मैम, क्या नाम है आपका? सुमन। मैम, लोकसभा चुनाव है तो रोहतक से बीजेपी से अरविंद शर्मा जी सामने आ रहे हैं और कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आप किसके साथ जाना चाहेंगे? हम तो दीपेंद्र से सर। वजह क्या है? वजह वो काम तो करते हैं, सुनाई तो करते हैं। अच्छा, अभी तक किसके साथ आपका समर्थन था? हमारा तो दीपेंद्र के साथ ही था। क्या नाम? परवीन। रोहतक से पहली पसंद कौन है, अरविंद शर्मा या दीपेंद्र सिंह? शुरू से जी दीपेंद्र हुड्डा है। अच्छा। हमारी पसंद, क्योंकि उन्होंने रोहतक में बहुत से अच्छे काम करे हैं, बच्चों के लिए, पब्लिक के लिए, सारी चीज़ें। लेकिन इन दिनों बहुत दुख आ रहे हैं, क्योंकि जब से वो सीट से हटे हैं तो ये समस्या आई हैं। अच्छा। अगर आज ये समस्या नहीं आनी थी, अगर दीपेंद्र हुड्डा होते गद्दी पे, तो हमें कोई भी मुश्किल नहीं आनी थी। तो रोहतक में सांसद बदलना चाहते हैं? हाँ जी। मेरा नाम पागवंती। रोहतक से किसे देखना चाहेंगे, अरविंद शर्मा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा? दीपेंद्र सिंह। वजह क्या है आंटी उनको देखने? वो काम करते हैं, ये लोग काम नहीं करते। बीजेपी वाले कोई काम चुनाव के बाद कोई दिखाई नहीं दिया। अच्छा। हाँ, उसका क्या फायदा? क्या नाम है सर? मेरा नाम राजेश जी। सर, लोकसभा चुनाव है तो आप रोहतक सीट से किसे देखना चाहते हैं? दीपेंद्र हुड्डा को जी। वजह क्या है सर? वजह यही है कि हमने जो है ना अरविंद शर्मा की शक्ल नहीं देखी पिछले 5 साल से। अच्छा। हैं, यहाँ आना तो दूर है, शक्ल नहीं दिखाई और कोई काम तो है ही नहीं। दीपेंद्र जी से मिले? हाँ, मिला हूँ, काफी दफा मिले हैं जी। उन्होंने समस्याएं सुनी है। वो है, मेरी दुकान थी अशोका टाकी के सामने, इन लोगों ने मेरी दुकान गिरवा दी। अच्छा। हाँ, अपने ग्रोवर साहब ने और ये जो है ना। अच्छा। और हरेस किया हमारे को, सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। अच्छा। और हाँ, इन्होंने ऐसा नाश किया कि घर से बेघर कर दिया सरकार ने हमारे। क्या नाम है? राम भगत जी। रोहतक से पहली पसंद कौन है दीपेंद्र? हमने हमारा तो समाधान करेगा, हमारे वो पसंद नहीं। रोहतक में फिलहाल अभी सांसद जो है वो अरविंद शर्मा, ऐसा नहीं है। एक मिनट, दोनों जो सामने आ रहे हैं, एक बीजेपी से है, कांग्रेस से, आने वाली सीट में आप किसे देखेंगे? जो सा भी काम करेगा हमारे, हम तो उससे देंगे। बहुत ठीक है। आनंद सिंह। आनंद सिंह। रोहतक से किसे? दीपेंद्र सिंह। वजह क्या? इस कॉलोनी का तो उधार ही उनने किया है जी। अच्छा। इतने इतने गड्ढे थे यहाँ पे। अच्छा। कुछ भी नहीं था, कोई आता भी नहीं था यहाँ पे। अच्छा। उनने बनाया रहने लायक इस कॉलोनी को, समर्थन नहीं मिला कोई काम। बीजेपी वाले कभी आए नहीं यहाँ पे। अच्छा। आज तक तो देखे नहीं हमने। अच्छा। आगे भी नहीं दिखेंगे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा गिरधारी लाल कपूर। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को? वजह क्या है? वो काम करते हैं और कर्मकारी करता है अच्छे। राकेश कुमार कालड़ा जी। रोहतक में लोकसभा चुनाव है और बीजेपी से अरविंद शर्मा और कांग्रेस से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी सामने आए हैं, किसे देखना चाह रहे हैं? हम दीपेंद्र जी हुड्डा को। वजह क्या है सर? हम शुरू से उनसे जुड़े आए जी। कुछ खास वजह उनके साथ जुड़ने की? रोहतक एमसी बड़े हुड्डा साहब बड़े हैं सीएम, देख लो क्या क्या बना दिया उन्होंने। एक बार और 4 मिनट जाता उनको स्वर्ग। आप लोग उन्हें समर्थन दे रहे हो, तो पिछली बार दीपेंद्र जी हार कैसे गए? हाँ जी, बस लोगों की वजह से हार गए, लोग बीच में विश्वास घाट करके। क्या नाम है मैम आपका? आशा जी। किसे देखना चाहेंगे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा या अरविंद? दीपेंद्र हुड्डा। नाम है बेटा आपका? तनिष्का। लोकसभा चुनाव है तो आपकी पहली पसंद कौन है? दीपेंद्र हुड्डा। वजह क्या है? क्योंकि पापा भी स्टार्टिंग से उनके साथ जुड़े रहे हैं और उन्होंने हमारा हर चीज में साथ दिया है, और हमारे कहीं ना कहीं हमारे कोई पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं उधर भी हमारे साथ वो खड़े मिले हैं हमें। तो बीजेपी के टाइम पे ये सब नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। मिले हैं आप कभी दीपेंद्र सिंह? हाँ जी। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मूर्ति। रोहतक से पहली पसंद कौन है, अरविंद शर्मा या फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा, वजह क्या है, कारण क्या है आप उनको पसंद कर रहे हैं? वो पसंद, वो काम करता अच्छे। अच्छा, तो बीजेपी में काम नहीं? बिल्कुल नहीं, मेरे 2 बच्चे अच्छे पढ़े लिखे बैठे घर में, कोई काम नहीं। अब आगे सरकार नई, रोहतक से नया जो सांसद बनने जा रहा है, तो किससे चाहते हैं कौन बने? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। क्या नाम है आपका? मीना। रोहतक से किसे देखना चाहेंगे, अरविंद शर्मा या दीपेंद्र हुड्डा? दीपेंद्र हुड्डा। ये काम करते हैं। क्या नाम है? राम देवी। रोहतक में लोकसभा चुनाव है तो सांसद कौन सा पसंद है, दीपेंद्र सिंह या अरविंद शर्मा? मारा हो है जो मारा, बिजली और पानी देगा उससे का वोट से, अरे उससे पहले आवेगा। अच्छा। उसका वोट से भाई, जो बिजली पानी की समस्या मिटेगा उसका वोट से, और नहीं तो भाई मारा मन करेगा उसका वोट है। इलेक्शन तो पहला पहला समस्या। हाँ जी। क्या नाम है? सीमा। रोहतक से पहली पसंद कौन है? दीपेंद्र। वजह क्या है? वजह जी हमारे काम हुए हैं भाई, हमारी सुनवाई हो है, इसीलिए शुरू से, क्योंकि हम उन्हीं के साथ जुड़े। बीजेपी के टाइम में काम नहीं हुए?
जी नहीं हुए बिल्कुल। जब हमें परेशान है तो हमें क्या फायदा फिर उस बात का। क्या नाम है आपका? गुलाबा देवी। रोहतक से पहली पसंद कौन है? जहाँ सब रंगे हुई हम।